नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। बाल बाल बचे इटावा सदर विधायक सरिता भदौरिया, प्लेटफॉर्म से नीचे गिरी सदर विधायक सरिता भदौरिया। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रही थी विधायक, पैर फिसलने और धक्का लगने से रेलवे ट्रैक पर गिरी सदर विधायक सरिता। इटावा रेलवे स्टेशन पर समाजवादी पार्टी सांसद जितेंद्र दोहरे, पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया, राज्यसभा सांसद गीता शक्त समेत तमाम सपा भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। ज्यादा भीड़ थी और धक्का लगने से इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से धक्का मुक्की हुई और अचानक से रेलवे ट्रैक पर गिर गई विधायक। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रही थी, काफी ज्यादा भीड़ थी और समय रहते उन्हें उठाया गया है ट्रैक से। गनीमत रही, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रही थी, ट्रेन भी स्टार्ट हो गई थी और हरी झंडी दिखाई रही थी, तभी धक्का मुक्की में उनका संतुलन बिगड़ा, पैर फिसला और वो ट्रैक पर आ गिरी, जिसके बाद उन्हें तेजी से ट्रैक से उठाया गया है। सुरक्षित है, ठीक बताई जा रही है विधायक। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के दौरान ये बड़ा हादसा होने से टल गया। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी विधायक दिखा रही थी और भाजपा सपा के कई नेता मौजूद थे, तभी अचानक से विधायक सरिता ट्रैक पर गिर पड़ती हैं। हालांकि उन्हें कार्यकर्ताओं द्वारा तुरंत उठाया जाता है और अब वो सुरक्षित है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।